हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फोटोशॉप के इस नए वीडियो में। दोस्तों, फोटोशॉप की मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ और कई वीडियोस को मैं बना भी चुका हूँ, आप लोगों ने देखा है और अच्छा प्यार भी दिया हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोटोशॉप के अंदर एक्सप्लोजर कैसे बनाते हैं। हालांकि फोटोशॉप के अंदर एक्सप्लोजर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल होता है और डबल लेयर का होता है। तो दोस्तों, फोटोशॉप में आज हम आपको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा फोटोशॉप के अंदर एक्सप्लोजर बना हुआ है। दोस्तों, आई होप कि आप बहुत ही एंजॉय करेंगे एक्सप्लोजर को और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें और आप हमें बताएं कि कैसा रहा एक्सप्लोजर और आप अपने हिसाब से सेटअप करिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। इस प्रकार से हमारी फोटो है और इसको हम क्या काम करते हैं, अभी मिनिमाइज कर देते हैं। और ये हमारी फोटो है, इसको सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दो फोटो लेना और इस फोटो को हम इस पे लगाएंगे। चलिए, इस फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज मेनू मिल जाएगा। इमेज मेनू पे जाने के बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड पे जाने के बाद अपने हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ से जो ये लेवल है और यहाँ से थोड़ा सा कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको ओके। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, चाहे इस फोटो को इस पर लेके जाएं चाहे इस फोटो को इस पर लेके आएँ। चलिए, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। फोटो को पकड़ के मूव टूल से इसको पकड़ के इसे खींच लेंगे और कंट्रोल टी करके यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे इरेजर टूल और इरेजर टूल से इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी आप पहले भी इरेज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी इरेज कर सकते हैं। चलिए, फिर से मूव टूल क्लिक कर लेते हैं और ये हमारी लेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड लेयर के बाद लेयर वन आ गया है और यहीं पे आप देखेंगे नॉर्मल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको चाहे स्क्रीन कर लीजिए चाहे लाइटन कर लीजिए। मैं स्क्रीन कर देता हूँ। देखिए, हमारा फोटो एकदम बन के तैयार है।